तो ये खड़ी अपनी बाइक ऑल न्यू हिमालयन 450 और साथ में होंडा CBR 650। और ये है होटल जहाँ हमने स्टे किया है, दीपक होम स्टे चिन यालसुर। नाम यही है ना जगह का, चिनयालसुर, चिनयालसुर। भाई साहब नाम इतना खतरनाक है, प्रोनाउंस नहीं हो पाता। तो हमने यहाँ रात को स्टे किया था एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अभी यहाँ से निकलने वाले हैं टूवर्ड्स हर्षिल उत्तरकाशी। आपको दिखाता हूँ रूम जहाँ हमने स्टे किया अंदर। ये है गेस्ट हाउस और ये राजेश भाई, गुड मॉर्निंग, ऑलरेडी ऑल सेट। सेनोरिटा मैं अपने प्यार से अपनी बाइक को बोलता हूँ। तो एडिट कर दूंगा। बैग अपना सेट हो गया, ऑल पैक, टेल बैग और टॉप बॉक्स। अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से, टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं पूरे, ब्रेकफास्ट करते हैं रास्ते में। मैं बाइक को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये देखो पीछे इतने सारे बच्चे देख रहे हैं तमाशा की क्या हो रहा है यहाँ पर। जान आ जाती है अंदर ना बाइक पे बैठते ही, खासकर ऐसे माहौल में, ऐसे टेरेन में। अमेजिंग मैन, खड़े हुए थे स्वेटिंग हो रही थी और अब ठंड लग रही है। तो यहां से डिस्टेंस है हर्षिल का 109 किलोमीटर, ट्रेवल टाइम इज क्लोज टू 3 hours 45 minutes। और अभी पहले करते हैं बढ़िया ब्रेकफास्ट अच्छी लोकेशन पे, अच्छे नज़ारों के बीच में। एंड अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया, बहुत प्यारा, मीठी मीठी ठंड चल रही है और अभी मीठी से कड़ाके वाली ठंड पहुंचने वाले हैं हम। अब थोड़ा काइंड ऑफ ऑफ बीट स्ट्रेच स्टार्ट हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे टेरेन में ना बाइक स्पीड से निकालने का हिमालयन को अलग ही मजा आता है, अलग ही फन आता है यार। इतना अमेजिंग रूट है, मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं अभी तक आया क्यों नहीं इस रूट पे। काफी कुछ है इंडिया में यार घूमने के लिए, यार काफी कुछ है। आ गया जी, आ गया, खराब स्ट्रेच, नो इश्यूज। बाइक साफ की थी थोड़ी बहुत, दोबारा गंदी हो जाएगी, कोई बात नहीं, दोबारा साफ कर लेंगे। पता ही नहीं चलता यार, ऐसा स्ट्रेच तो मालूम चलता ही नहीं है कि मतलब कुछ है। राजेश भाई पीछे रह गया, पीछे नहीं रह गया, काफी पीछे रह गया। जब तक हाईवे था तो CB650R भाग रही थी एकदम, मतलब फन कर रही थी कंपेयर टू हिमालयन ऑफ कोर्स। और अभी ये इलाका जो है अपनी हिमालयन का है। आ गया, चलो जी, साथ में नदी चल रही है, आई थिंक ये भागीरथी है, पानी बहुत कम है अभी। ये जो रास्ता है ये पूरा उत्तरकाशी है और अमेजिंग जगह है यार। देखो ये लैंडस्केप बहुत ही डिफरेंट है। जब मैं गया था स्पीति वैली
उसके रास्ते में आते हैं ऐसे लैंडस्केप्स, जो ऐसा टेरेन आता है वहाँ, बाकी बाइक गाड़ी स्लो हो जाती है, हिमालयन में कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह पे यहाँ पर होम स्टे बने हुए हैं। यहाँ पर हो रखी है लैंडस्लाइड्स या हो रही है, नहीं काम चल रहा है। सो फाइनली वी आर इन जैम ऑफ उत्तरकाशी। ये सामने मेरे जो आप देख रहे हो ये उत्तरकाशी टाउन है, अच्छा खासा बड़ा टाउन है, मुझे उम्मीद थी नहीं कि इतना बड़ा टाउन है ये। जाने दो हमें भैया। और ये हमने आई थिंक बाईपास कर लिया हर्षिल 75 किलोमीटर गंगोत्री। मुझे ऐसा लग रहा है टनल इन्होंने चौड़ी कम करी है, ऊंची ज्यादा कर दी है, रोड काफी नैरो हो गई है। आई होप आगे जाके खुल जाएगी, नहीं भी खुलेगी तो क्या कर लेंगे हम। वाओ, जितनी नैरो रोड होती है पहाड़ों में बाइक पे उतना मजा आता है, गाड़ी में उतनी परेशानी होती है। बाइक अमेजिंग परफॉर्म कर रही है इसमें ना, लो एंड देखो कम है इसमें थोड़ा कंपेयर टू स्क्रैम्बलर खासकर जबकि मैं राइड करता हूँ, और लेकिन पहाड़ों पे इतना ज़्यादा फील नहीं होता। मुझे ऐसा था कि माउंटेन्स पे ट्विस्टीज पे शार्प ट्विस्टीज पे जहाँ मुझे स्लो इंक्लाइंड लेनी होगी वहाँ मुझे गियर फर्स्ट डालना पड़ेगा इसका, बट मुझे हार्डली फर्स्ट गियर डालना पड़ता है, सेकेंड गियर में काम चल जाता है। तो लो एंड इज लेस कम्पेयर टू स्क्रैम्बलर बट नॉट मतलब इतना इश्यू नहीं है कंपेयर टू के टी एम 390। तो भाई साहब बहुत अच्छी है इसकी जो इसका जो लो एंड है, बेस्ट लो एंड आता है स्क्रैम्बलर का, उसके बाद में आता है हिमालयन का, देन आता है के टी एम का लास्ट में, के टी एम एडवेंचर। और सस्पेंशन तो भाई साहब जहर है जहर, जहाँ ऑफरोडिंग होती है वहाँ पर 650 हमारी पीछे जा जाती है, और जहाँ प्लेन स्टच होती है वहाँ हमारी हिमालय भी चली जाती है। ओहो अमेजिंग व्यू मैन, यहाँ तो बनते हैं ड्रोन शॉट, क्या बोलते हो? हर्षिल इज यहाँ से 62 किलोमीटर, साथ में चल रही है भागीरथी नदी और मजे आ रहे हैं फुल ऑन। अब खाना कहाँ खाएंगे पता नहीं हमें क्योंकि यहाँ कोई ढाबा है नहीं। इस टाइम 11 बज गए हैं, 11:24 और अब आया हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बोले या लंच बोले, और ये खड़ी अपनी बाइक्स, इतनी लेट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बट मैं आपको दिखाता हूँ पहले कहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्या नज़ारे हैं, चौसी ऑसम व्यूज। और वेदर इतना बढ़िया हो रखा है ना, ज़बरदस्त, मतलब क्लाउडी है हल्का सा, बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की सी ठंड है, मीठी मीठी सी। ब्रेकफास्ट निपटाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता और है हर्षिल का, और मौसम ऐसा ही रहे बस, और बस वहाँ पर ना स्नोफॉल मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। चलो जी हो गया ब्रेकफास्ट, अभी यहाँ से 2:20 का रास्ता और है हर्षिल का, और वेदर जो है मिक्स हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है, बीच में सूरज आ रहा है, तो अच्छा मौसम हो रहा है राइड के लिए, बहुत ही बेहतरीन मौसम। ऐसा लग रहा है मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। मैं उत्तरकाशी के बाद में ट्रैफिक काफ़ी कम हो गया इस रोड पर, रोड भी नैरो हो गई है और ट्रैफिक तो बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पर, और जो ढाबे वाबे हैं वो भी बंद है अभी, क्योंकि अभी सीज़न टाइम नहीं है, सीज़न टाइम आई थिंक अप्रैल में स्टार्ट होगा, अप्रैल मिड के आसपास। क्या प्रेशर है यहाँ पर पानी का यार, ज़बरदस्त। हो एकदम वाइट,
व्हाइट पानी, ऐसा लग रहा है पानी नहीं है दूध है। ये डैम है यहाँ पर, हमने बाइक जो है वापस घुमा ली है टुवर्ड्स उत्तरकाशी। रीजन ये कि मेरे माइंड में एकदम स्ट्राइक किया कि यार ये रोड इतनी नैरो है और ये एकदम काइंड ऑफ रिमोट एरिया आ गया है, तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। और अभी यहाँ से है हर्षिल ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स, वहाँ से 30 किलोमीटर्स आपका गंगोत्री, तो टोटल हमें 200 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ेगी। तो हमने कहा चलते हैं वापस, और अब दिक्कत यह है यहाँ से वापस उत्तरकाशी के आसपास है पेट्रोल पंप, और जो कि है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर। टाइम खराब और ज़्यादा, बट ठीक है कोई नहीं, टाइम पे ध्यान आ गया। अदरवाइज़ फिर आगे जाके लोकल हमें पेट्रोल लेना पड़ता, वो पता नहीं मिलावटी होता कैसा होता क्या होता। बस 7.4 अपनी बाइक चली है, एग्जैक्टली 285 पे भरवाया था, 485 हो चुकी है। एंड माइलेज निकालते हैं, एग्जैक्ट माइलेज दिखाते हैं आपको, 200 डिवाइडेड बाय 7.4, 27 की माइलेज आई है हिल्स पे, नॉट बैड। हमने अपनी मर्जी से बिंदास तरीके से भगाई है बाइक, तो ठीक है माइलेज। अभी हमने जस्ट टर्न लिया है, टर्न लेते हैं ना एकदम लैंडस्केप्स बहुत डिफरेंट हो गए हैं, ग्रीन बहुत अच्छा सा ग्रीन हो गया है, डेंस ज़्यादा हो गया है और रिमोट सा फील हो रहा है। सामने स्नो कैप माउंटेंस दिख रहे हैं, बहुत ही गूज बम्प वाली फीलिंग आ रही है। अमेजिंग प्लेस, और यहाँ की जो राइड हम कर रहे हैं लास्ट आधे घंटे से अमेजिंग है। अभी भी यहाँ से आई थिंक क्लोज टू 1 hour 45 मिनट का रास्ता और है हर्षिल का। भागीरथी नदी बहुत नीचे हो गई है, बहुत नीचे। टेम्परेचर इज 25 डिग्री और टाइम हुआ है इस टाइम दोपहर के 1 बजे हैं, 1 बजे यहाँ 25 डिग्री है। अभी आई थिंक और ड्रॉप होगा क्योंकि ओ जबरदस्त डरावनी रोड्स, ऊपर जो है बादल एकदम काले से आ रहे हैं सामने की तरफ, मे बी बारिश हो रही है ऊपर, लेट्स सी। अभी भी यहाँ से 44 किलोमीटर है हर्षिल वैली। अच्छा व्यू चाहिए तो सामने देखो, अमेजिंग व्यू और वाओ, ऐसा लग रहा है मुझे मैं लद्दाख स्पीति में कहीं पहुंच गया हूँ, मतलब पहुंचने वाला हूँ। वाओ मैन, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, दिस इज द ब्रिज वी हैव टू क्रॉस। आ रही है ना स्पीति वाली फीलिंग, और बारिश हो रही है हल्की हल्की, बूंदाबांदी गिरनी शुरू हो चुकी है, लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पर, हल्की सी ठंड भी बढ़ गई है। टेम्परेचर हो गया है 23 डिग्री, बारिश की बूंदे आनी शुरू हो गई है मेरे वाइजर पे, हो गया है रंगारंग कार्यक्रम शुरू। रफ स्ट्रेच, राइड विथ प्रिकॉशंस, ऑसम वेदर हो गया, मजेदार यार, बेस्ट वेदर माउंटेन्स पे। उम्मीद नहीं है मुझे बारिश होगी, तो बहुत तेज होने की उम्मीद नहीं है, बाकी होगी तो देखा जाएगा, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है, मीठी मीठी से ज्यादा ठंड हो गई है अभी थोड़ी सी। आई कैन फील ओ अभी होता क्रैश कबूतर, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, पत्थर कैसे हैं यहाँ पर गिरने वाले हैं, निकल लीजिए फटाफट से। टेम्परेचर इज 19 नाउ, टेम्परेचर इज 19 नाउ, और ठंड लग रही है ऑब्वियसली, यहाँ बारिश हो चुकी है अच्छी खासी, गीला है। अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया व्यू दिखाता हूँ, 3, 2, 1 स्पीचलेस।
Awesome, man. निशुल्क फ्री सेवा लगी हुई है यहाँ पर, वॉशरूम बने हुए हैं टेंट वाले, दैट्स गुड। जो यहाँ पर आते हैं अभी सीजन टाइम में श्रद्धालु लोग, उनके लिए दुर्घटना संभावित क्षेत्र। सामने देखो वॉटरफॉल, आई थिंक अभी क्या स्नो हो रही है, ये बारिश हो रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। बारिश ही है और ये तेज हो रही है अब। आई फील तो मुझे कैमरा निकालना पड़ेगा, अदरवाइज सारी फुटेज खराब हो जाएगी। बट यहाँ कोई शेड ही नहीं है जहाँ रुके हम। वो देखो सामने कैसे पानी आ रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। 10 मिनट के अंदर 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो चुका है। मैं देख रहा हूँ 25-24। बादलों की आवाज आ रही है कड़कने की बहुत तेज। भगवान भला करे इस शेड बनाने वाले का। विंटर लाइनर, रेन लाइनर, एवरीथिंग इज ऑन एंड हर्षिल इज ऑल्सो ऑन। बारिश हो रही है, रुक रही है, और अभी फिलहाल जो है तेज नहीं है बारिश, तो मैंने थोड़ा रिस्क ले लिया, GoPro और मीडियम मोड लगा लिया मैंने, क्योंकि ये नज़ारे ना मैं मिस कर सकता हूँ और ना ही मैं मिस करवा सकता हूँ आपको। ये देखो, दिस इज हेवन, दिस इज समथिंग अमेजिंग प्लेस। वाओ, किलोमीटर है यहाँ से अभी हर्षिल, 1 आवर। रोड जो है काफी स्लिपरी हो गई है। थोड़ा सा ध्यान से भी चलने की जरूरत है, नॉट इन हरी फॉर श्योर। टेम्परेचर इज 17, हर किलोमीटर पे 1 डिग्री ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर इस टाइम। अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग फीलिंग, जैसे आप फ्रिज में बैठे हो और आपकी कुल्फी जम रही है। टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है हर 2 मिनट में 1 डिग्री। यहाँ हो रही है बारिश और ऊपर हो रही है वहां स्नोफॉल कहीं। वो देखो ऊपर स्नो कैप माउंटेन्स, बहुत ही स्टनिंग व्यू लग रहा है यार। बारिश हो रही है, मुझे निकालना पड़ेगा GoPro। फाइनली हम पहुंच गए हैं हर्षिल वैली भागोरी विलेज। अमेजिंग जगह है, अमेजिंग प्लेस है, मतलब ऐसा हमने सोचा था कि हाँ ऐसी जगह होगी,
बट जैसा सोचा था उससे भी बेटर जगह है। वर्ड्स मेरे ऊपर नीचे हो रहे हैं बट भावना को समझो, अमेजिंग प्लेस है। और राइड तो आपने देखी है कैसी रही, और अभी हमने यहाँ पर ये गेस्ट हाउस में स्टे कर लिया है। अमेजिंग प्रॉपर्टी है। थोड़ा आगे जा रहे हैं गाँव को, गाँव के लास्ट एंड में। मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, यहाँ स्नोफॉल कल हुई थी रात को, एंड मे बी स्नोफॉल शायद यहाँ कल हो जाए, यू नेवर नो। और अभी वैसे ये जो गांव है भगोरी, ये पूरा खाली है, मतलब काइंड ऑफ मोस्टली खाली है। जो होम स्टे के ओनर्स हैं उन्होंने खाली ओपन किया है। मोस्टली ये जो गांव के लोग आते हैं, ये आते हैं जब जो आपका गंगोत्री का जो है मंदिर वो ओपन होता है, उसके बाद आते हैं। तो अप्रैल 9 के बाद जो है ओपन होगा। और अभी दिखाते हैं आपको यहाँ के बढ़िया ड्रोन शॉट्स। 3, 2, 1। ये देखो हर्षिल में आने का फायदा हुआ है, डबल फायदा हुआ है, इतने बढ़िया नजारे और इतने सारे न्यू सब्सक्राइबर। सर कहाँ से हैं आप लोग? आप पटना से हैं? आप बंगाल से हैं? और ये है मेरे सबसे यंग सब्सक्राइबर, आपका नाम क्या है? विवान केसरी, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके ओके, नाइस टू मीट यू। कोई बात नहीं, शर्मा रहा है। आंटी जी, अभी से गांव में रहते हो क्या, मतलब पूरा साल रहते हो? जनवरी में चले गए थे, फरवरी में यहां को गांव खाली रहते, फिर मार्च में आते। अच्छा, मार्च में आते हो? फरवरी में थोड़ा पानी पूरी सब जम जाते। अच्छा, जनवरी फरवरी में दो महीने पाइपलाइन सारा जम जाते। अच्छा, तो फिर कहां जाते हो? उत्तरकाशी ढूंढा में। अच्छा, ढूंढा में वहां घर है आपका? अच्छा, तो अभी भी गांव खाली है पूरा? अब नवरात्र के बाद जब पट खुलेगा तब आएंगे सब। ओके। Thank you.